रिमूवेबल बैटरी इसका प्लस पॉइंट है, बैटरी स्वैप कर सकते हो, निकाल कर घर में चार्ज कर सकते हो, अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है रिवोल्ट आरवी 400। इस बाइक का प्लस पॉइंट है इसका बैटरी, LFP बैटरी पैक का लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, मतलब लिथियम आयन बैटरी से ये बैटरी लंबा वक्त तक चलेगा। और इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, प्लास्टिक पैनल ही है इसमें बट मजबूत है, और फीचर्स भी अच्छा है। वायलेट F77। दिस बाइक इज ए सीरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक विद ग्रेट रेंज फिगर्स। अल्ट्रा वायलेट हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे। सो गाइस, सबसे पहले आज आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का प्लान करते हैं या कोई इलेक्ट्रिक बाइक हमें पसंद आती है तो दिमाग में पहला सवाल कौन सा आता है? रेंज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भाई ये फुल चार्ज पे कितने किलोमीटर चल पाएगी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, फीचर्स, कंफर्ट वगैरह वगैरह। तो आज की तारीख में भारत में बिकने वाली वो कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो सबसे ज्यादा रेंज ऑफर करती है, इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक बाइक्स इन इंडिया। इस लिस्ट में सिर्फ वही बाइक्स हैं जो करेंटली बिक रही हैं, अपकमिंग बाइक्स इस लिस्ट में नहीं है। बड़ा मजेदार होने वाला है दोस्तों ये वीडियो, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वो नोटिफिकेशन वाला घंटा भी बजा दो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिस्ट में 5th पोजीशन पर है रिवोल्ट आरवी 400। इसमें 3 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर मिलता है जो 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। 3.24 किलोवाट आवर का रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी मिलता है। 150 किलोमीटर का IDC रेंज है बट रियल वर्ल्ड कंडीशंस में 110 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाएगा इको मोड में। 0 to 100% फुल चार्ज होने में लगभग 5 आवर्स का वक्त लगता है और रिमूवेबल बैटरी है तो आप चाहो तो बैटरी को निकालकर अपने घर या ऑफिस डेस्क में भी चार्ज कर सकते हो। ये एक बढ़िया ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। आपको इसमें स्टैंडर्ड वारंटी मिलता है 3 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर का बाइक पर एंड 3.25 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर बैटरी पर। कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी ऑफर करता है जिसमें आप एक्स्ट्रा पे करके अपने वारंटी को 5 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। और चार्जर पर 2 साल का वारंटी मिलता है, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड दोनों टाइप की वारंटी पर सेम है चार्जर का। रिवोल्ट आरवी 400 का प्राइस है 1,40,000 एक्स शोरूम। रिमूवेबल बैटरी इसका प्लस पॉइंट है, बैटरी स्वैप कर सकते हो, निकाल कर घर में चार्ज कर सकते हो, अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है रिवोल्ट आरवी 400। फोर्थ पोजीशन पर है अपना स्टाइलिश एंड स्पोर्टी कम्यूटर टॉर्क क्रेटोस आर। टॉर्क क्रेटोस में 9 किलोवाट का पावरफुल मिड ड्राइव मोटर मिलता है, 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क, टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर। फिक्स्ड लिथियम आयन बैटरी मिलेगा 4 किलोवाट आवर का, 180 किलोमीटर का IDC रेंज है, रियल वर्ल्ड में 120 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा इको मोड में। 750 वाट का चार्जर मिलता है जिससे 7 घंटे में 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है इसमें, 1 घंटे में 20% to 80% तक चार्ज कर पाओगे फास्ट चार्जर से। 3 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है कंपनी की तरफ से। टॉर्क क्रेटोस आर का प्राइस है 1,67,499 शोरूम। टॉर्क क्रेटोस के कुछ और वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं विद सेम रेंज बट लेस फीचर्स, ऑब्वियसली थोड़ा कम प्राइस में। टॉर्क क्रेटोस आर में काफी पावरफुल मोटर है और ये फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करता है जो इसका प्लस पॉइंट है। मुझे इस बाइक का स्टाइलिश एंड स्पोर्टी डिजाइन बहुत पसंद है। आपको क्या लगता है, लेना चाहोगे ये बाइक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लिस्ट में 3rd पोजीशन पर है हॉप ऑक्सो, अ नो नॉनसेंस कम्यूटर बाइक। हॉप ऑक्सो में आपको 6.2 किलोवाट का रियर व्हील माउंटेड हब मोटर मिलता है, 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है, टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन भी अच्छा है 0 to 40 इन 4 सेकंड्स। इसको पावर मिलता है 3.75 किलोवाट आवर के फिक्स्ड टाइप लिथियम आयन बैटरी से। 180 किलोमीटर का IDC रेंज है, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इको मोड पे राइड करोगे तो 140 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। 5 to 6 घंटे में बैटरी 0 to 100% फुल चार्ज हो जाता है। वारंटी भी आपको मिल जाता है 3 ईयर्स और 50,000 किलोमीटर का। हॉप ऑक्सो का प्राइस है 1,63,718 एक्स शोरूम। हॉप ऑक्सो के कुछ और वेरियंट भी है जो कम प्राइस में मिल जाते हैं बट उसमें रेंज, फीचर्स और पावर थोड़ा कम रहता है। ये बाइक तो ठीक है बट मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा। इस प्राइस पॉइंट में हब मोटर के जगह मिड ड्राइव मोटर मिलता तो अच्छा होता। बाकी फीचर्स, रेंज, वारंटी ये सब सही है इस इलेक्ट्रिक बाइक पे। सेकंड पोजीशन पर हक जमाए बैठा हुआ है अपना ओबेन रोर। आई नो आप क्या सोच रहे हो, KTM ड्यूक जैसी दिख रही है।
मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसे देखा था मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया था। KTM Duke से इसका डिजाइन एलिमेंट काफी मिलता जुलता है। तो ओबेन रोवर में 8 किलोवाट का पावरफुल IPMSM मोटर मिलता है जो 62 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, इट कैन रीच 0-40 इन 3 सेकंड्स। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बढ़िया है। अब जरा बैटरी पर नजर डालते हैं। इसमें 4.4 किलोवाट आवर का बड़ा लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी मिलता है। फिक्स्ड टाइप बैटरी है। IDC रेंज है 187 किलोमीटर, बट ट्रू रेंज इतना मिलेगा नहीं, 120 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाएगा इको मोड में। चार्जिंग टाइम बढ़िया है, 0-80% 2 आवर्स में चार्ज हो जाएगा। और वारंटी भी अच्छा है, 3 इयर्स और 50,000 किलोमीटर ऑन बोथ द बाइक एंड द LFP बैटरी पैक। ओबेन रोवर का प्राइस है 1,49,999 एक्स शोरूम। इस बाइक का प्लस पॉइंट है इसका बैटरी। LFP बैटरी पैक का लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, मतलब लिथियम आयन बैटरी से ये बैटरी लंबा वक्त तक चलेगा। और इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, प्लास्टिक पैनल ही है इसमें बट मजबूत है। और फीचर्स भी अच्छा है। इस वीडियो में मैं किसी भी बाइक के फीचर्स और फुल स्पेक्स को नहीं समझा रहा, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको इन बाइकों में से किसी भी बाइक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए उस बाइक पर अलग से एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एंड नाउ टॉप पोजीशन पर है द वन एंड ओनली अल्ट्रा वायलेट F77। दिस बाइक इज ए सीरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक विद ग्रेट रेंज फिगर्स। अल्ट्रा वायलेट F77 में 29 किलोवाट का जबरदस्त पावरफुल मोटर मिलता है, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 147 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है हैवॉक मोड में। F77 कैन रीच 0-60 किलोमीटर पर आवर इन 3.1 सेकंड्स ओनली। इसमें बैटरी भी बहुत बड़ा दिया गया है, 10.3 किलोवाट आवर का मैसिव लिथियम आयन फिक्स्ड बैटरी मिलता है। IDC रेंज है 307 किलोमीटर, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 250 प्लस किलोमीटर मिल जाएगा, विच इज ग्रेट रियली। चार्जिंग टाइम की बात करें तो नॉर्मल चार्जर से 5 आवर्स में 0-100% चार्ज कर पाओगे। एंड ये बाइक फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मात्र 1.5 आवर्स में 0 से फुल चार्ज हो जाता है फास्ट चार्जिंग में। 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड वारंटी मिलता है इसमें, और आप चाहो तो ऑप्शनल एक्सटेंडेड वारंटी भी खरीद सकते हो 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर का। अल्ट्रा वायलेट F77 का प्राइस है 3,80,000 एक्स शोरूम। हाँ, प्राइस इसका ज्यादा है, बट इसमें परफॉर्मेंस भी तगड़ा मिल रहा है और रेंज भी। और कुछ बाइक्स हैं जो रेंज तो बढ़िया देती है, बट फिर भी मैंने उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, लाइक द कोमाकी रेंजर। 220 किलोमीटर का IDC रेंज है, बट मुझे ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। लगभग 2 लाख पड़ता है ऑन रोड। उसमें मिलता है हब मोटर जो ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, 70-80 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है, और ये 200 किलोमीटर का सपोज रेंज इको मोड में मिलेगा, और इसमें इको मोड टॉप स्पीड 30-35 किलोमीटर पर आवर में कैप किया हुआ है। ऊपर से कुछ बढ़िया फीचर्स भी रहता तो समझ में आता, बट वो भी नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर किस बात का इतना प्राइस ले रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने कोमाकी रेंजर को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये थे टॉप 5 लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक बाइक्स इन इंडिया। इस लिस्ट में कौन सा बाइक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मुझे टॉर्क क्रेटोस और अल्ट्रा वायलेट F77, मजेदार बाइक है दोनों कसम से। सो गाइस, वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करते जाना, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट्स बनाने का। अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दो, किसी के काम आ जाएगी। और अगर अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय।